दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है इस जगह पर जिन्नात रहते हैं, किसी के होने का एहसास होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। मेटकाफ की ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह थी। छतरी में मेटकाफ शाम को बैठा करता था। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज मैं आपको घुमाने वाला हूं दिल्ली में छिपे एक ऐसे मकबरे पर जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं X2 ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक जीना जो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं इस जीने को चढ़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मकबरा। दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है मोहम्मद कुली खान का मकबरा। ये वाली जो जगह है पूरी की पूरी ऑक्टागोनल है। इस मकबरे को ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है। ये मुगल दौर का दूसरा मकबरा मैं देख रहा हूँ जो ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है। इसके फ्रंट पे पूरी की पूरी एक आर्च बनाई गई है। आप देख सकते हो कुरान की आयतों को पुरीदा गया है, कलमे लिखे हुए दिख जाएंगे और सामने ही आपको दो आले दिख जाएंगे जो शायद से रोशनी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इस मकबरे की जो दीवार है उसकी चौड़ाई है 10 से 12 फीट, आप देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। इस मकबरे में सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो है इसके छत का डिज़ाइन। इसकी छत पर नीले कलर की नक्काशी की गई है जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। इसमें एक बड़ा गुम्बद है जो अष्टभुजाकार में बनाया गया है। ये मुगलिया कलाकृति का एक बेहतरीन नमूना है। आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। इसी के नीचे की साइड में आपको ये बड़े बड़े आले देखने को मिल जाएंगे। ये उस टाइम रोशनी के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, देख सकते हो। दोस्तों, अभी आप जो देख पाते हो ये वाला जो हिस्सा है ये बात को बनाया गया होगा क्योंकि ये मकबरे से बिल्कुल अलग है। आपको दिखाता हूँ। इस मकबरे के बराबर से ही एक दीवार खींची गई है जो बाद के समय में बनाई गई होगी क्योंकि इसमें जो ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है आप देख सकते हो। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है छोटी लाल लाखोरी ईंट चूना पत्थर की मदद से जिसे रोका गया है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो यह है इस मकबरे के नीचे वाला हिस्सा। इस जगह पे उस टाइम के लोग अपने घोड़ों को बांधा करते होंगे, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अपने घोड़ों को वो चारा दिया करते होंगे या फिर उनका चारा इस जगह पर रखा करते होंगे। यहाँ से भी एक जीना है मकबरे पे जाने के लिए। तो सबसे पहले चढ़ लेता हूँ सीढ़ियाँ और आपको दिखाता हूँ। ये तो अभी हमने देखा था वही दीवार है और इसी के नीचे ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो इसके नीचे ये गया है सीधा कब्र पे। तो इसको तो बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अगर इसके इतिहास की बात करें तो बात उस समय की है जब दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। उन्हीं की एक मुंहबोली माँ थी जिनका नाम था महामंगा। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था आदम खान, एक का नाम था कुली खान, जिनके मकबरे पे मैं आया हूँ। आदम खान के मकबरे का ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ, अगर आपको वो ब्लॉग देखना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बआसानी देख सकते हो। इस मकबरे को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था जब हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ। इस जगह पर अंग्रेजों द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया था जिसका नाम था मेटकाफ। मेटकाफ को एक काम सौंपा गया था जो लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके ऊपर निगरानी का, वो क्या करते हैं कहाँ जाते हैं। मेटकाफ ने इस जगह को अपने रहने के स्थान में इस्तेमाल किया और इस जगह को एक नाम दिया दिलकुशा,
यानी दिल को खुश कर देने वाली जगह। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेटकाफ द्वारा बनाई गई छतरी की तरफ। इस जगह को बोला जाता है मेटकाफ की छतरी। तो आप देख सकते हो इस छतरी को ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया है। तो चलिए अब हम इसको पास से देखते हैं। अगर आप इस छतरी के अंदर आओगे तो आपको ये बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल जाएंगे जो पहाड़ी पत्थर हैं, और इन पत्थरों पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन निकाला गया है, आप देख सकते हो। अगर इसकी छत पर आप देखोगे तो आपको छोटी लाल लाखोरी ईंटें दिख जाएंगी लगी हुई। इसकी छत को लाल लाखोरी ईंटों से ही बनाया गया है, देख सकते हो दोस्तों। और ये छतरी वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेटकाफ की ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह थी। इस छतरी में मेटकाफ शाम को बैठा करता था, और बैठने का क्या रीज़न था वो भी आपको बताता हूँ। इस छतरी के सामने ही आपको देखने को मिल जाएगी एशिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और इस छतरी से कुतुब मीनार का नज़ारा जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। और इसी वजह से मेटकाफ इस छतरी में बैठा करता था और इस नज़ारे का आनंद लिया करता था। दोस्तों, अभी आप जो मेरे पीछे ये जगह देख रहे हो, ये वो जगह है जो मेटकाफ हनीमून वाले जोड़े को किराए पे दिया करता था। तो इसमें कमरे बने हुए, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है इस जगह पर जिन्नात रहते हैं, किसी के होने का एहसास होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं, देख सकते हो। यहाँ पर जो कमरे थे वो कुछ इस तरीके से बने हुए थे, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा कुछ मुझे यहाँ महसूस नहीं हुआ जैसा लोगों ने कहा था, तो आप इस जगह पर आ सकते हो। दोस्तों, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।